देश में महिला सुरक्षा एक अहम और ज्वलंत मसला है। सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में हमेशा से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति चर्चा का मुख्य बिंदु रही है। सरकारें बनी हैं और बिगड़ी भी हैं। कोई भी ऐसा चुनाव या चुनावी वादा नहीं है जिसके घोषणा पत्र में महिला मुद्दा ना रहा हो। बावजूद इसके महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ अपराध की खौफनाक वारदातें सामने आ ही जाती हैं। ऐसी ही वारदातें गाजियाबाद से सामने आई हैं, जहां महज 16 घंटे के भीतर एक महिला और एक युवती को बदमाशों ने निशाना बनाया है। ताजा मामला दासना की उस्मान कॉलोनी के पास जंगल का है, जहां युवती का गला रेत कर हत्या कर दी गई और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। वहीं दूसरी घटना में गाजियाबाद के राजनगर इलाके में एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंका गया था। पुलिस ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने स्कूटी पर जा रही महिला का काफी देर तक पीछा किया और फिर उस पर तेजाब फेंक दिया। बीच राह पर इस तरह की वारदात से कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई हम 21वीं सदी के भारत में हैं? क्या वाकई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा धरातल पर कोई रंग ला रहा है? जवाब होगा नहीं।